फ्रेंड्स अभी हो रहा है शार्प 12:41 और अभी मैं खा रही हूँ कटली। अभी मैंने जूस पहला जो हल्का सा खट्टा था और मैं ज़्यादा खट्टा नहीं खा रही, मेरे को खट्टा पसंद है, आई लाइक बट नॉट टू मच, तो इसलिए मैं अभी ये खा रही हूँ स्वीट के नाम से। मेरे को स्वीट बहुत पसंद है, इतना कि आप जान नहीं सकते, मैं 50 साल मीठा खा के रह सकती हूँ, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होता है तो मैं नहीं खाती हूँ। इंग्लिश जो था खराब नहीं है, 48 आया 50 में, सिर्फ 2 मार्क्स रॉन्ग हुआ मेरा, कुछ बुरा नहीं उतना ज्यादा। चलो अच्छा ही है, सबसे बड़ी बात है कि तुम चीटिंग नहीं करती हो, ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन एग्जाम है लेकिन तुम चीटिंग नहीं करती हो, वेरी गुड। चीटिंग करने से फर्क तो वो बहुत होता है कि हम लोग को अपना नॉलेज इम्प्रूव करना होता है, चीटिंग से तो कोई भी देख ऐसा कर लेगा लेकिन हम लोग का अपना नॉलेज तो नहीं भरेगा ना, इसीलिए हम नहीं। वेरी गुड, करो जूस खत्म कर ले। हाँ गुड। परिधि ट्यूशन से आ रही है, देखिए इसकी खुशी देखिए घर आने की। अभी ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश। तो कल मेरा इंग्लिश वन एग्जाम है, तो ये सब आएगा, ग्रामर चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गलती से लिया था, वर्कशीट 1 to 9, टेस्ट 1 मैगतोलिया चैप्टर 1, 2, 3, 4, वर्कशीट चैप्टर 1, 2, 3, 4, पैराग्राफ माय हॉबी, उसके बाद आ जाएगा साइंस। अरे और मैंने एक न्यू नेम पेंट, आपको ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा, थंप वाला या फिर इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर? दिन पहले दीदी ने ये क्लीन किया है, पहले पहले नॉर्मली यहाँ पे बहुत सारा बुक्स भरा रहता था, मैं को ज़्यादा बुक्स। हेलो फ्रेंड्स, अच्छा जो क्वेश्चन था ना कि नेम फोर डेज ऑफ द वीक दैट बिगिंस विद द लेटर टी, आंसर है ट्यूसडे, थर्सडे, टुडे एंड टुमारो। करेक्ट आंसर आया है, जिन्होंने भी दिया है उनके नाम है प्रीति कांसल। प्रीति कांसल हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करती हैं क्योंकि इनका यूट्यूब में कुछ कमेंट में शायद कुछ प्रॉब्लम है इसलिए, और उन्होंने जो मैंने लास्ट इसके पहले वाले जो ब्लॉग में मैंने कुछ पूछा था ना कि ऐसा 5 लेटर का कौन सा वर्ड है जिससे अगर सिर्फ 2 लेटर हटा दे तो 1 रह जाता था, मुझको स्टोन पता था, मैंने बोला था कि स्टोन, किसी ने आंसर नहीं दिया बट प्रीति कांसल ने व्हाट्सएप पे दिया था, मैं एकदम स्किप कर गई थी, मैं भूल गई थी एकदम, इसीलिए मैं आज फिर से उनका नाम ले रही हूँ क्योंकि उन्होंने प्रीति कांसल ने स्टोन कहा था, उनका नाम मैं लेना भूल गई थी, सॉरी प्रीति कांसल। ठीक है, तो फिर आज का जो क्वेश्चन है उसका आंसर दिया है प्रीति कांसल, लाफिंग गौरी, प्रिया नानोलिया, आशा गोलिया, नियुग अग्रवाल, तनिषा चांडक, इन्होंने एकदम सही करेक्ट आंसर दिए हैं, मतलब बहुत अच्छा सही है एकदम आंसर, लेकिन इंटरेस्टिंग है ना, कितना चीज़ हमको भी जानने को मिलता है जब मैं क्वेश्चन सर्च करती हूँ कि मुझको जो पूछना है, बीच में तो मैं सोची भी थी कि बंद कर दूँ लेकिन मुझको कमेंट आया कि शायद ये कमेंट बोला था ललिता गुप्ता ने, शायद कहा था इस चीज़ को कि आप पूछते हैं तो कोई इसमें वो बात नहीं है, मतलब पूछिए, जिससे क्या होता है ना कि हम लोग के माइंड की एक्सरसाइज भी हो जाती है, तो मुझको भी क्वेश्चन जब मैं सर्च करती हूँ तो मुझको भी लगता है कि कितनी सारी चीज़ें जो हम लोगों को पता नहीं है, मुझको तो काफ़ी चीज़ें नहीं पता हैं, जिससे कि इसकी वजह से मुझको काफ़ी चीज़ पता भी चलने लग गई और थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया कि हाँ चलो हम लोग ये सब चीज़ के बारे में जानने लग गए। ठीक है, तो फिर अब आज का क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है, मैं आज ऐसे ही आ गई, कुछ रेडी वेडी नहीं हुई हूँ, बस जैसी थी वैसे ही आ गई, रेडी में ऐसे भी मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ जब भी आप लोगों से मिलती हूँ लिपस्टिक लगा लेते, फिर दिन भर तो दिखती हूँ तो फिर क्या इस समय भी, इसलिए चलिए ठीक है ना। ठीक है, तो फिर आज का क्वेश्चन है, आई साउंड लाइक 1 लेटर बट आई एम रिटन विथ 3, आई शो यू थिंग्स व्हेन यू लुक्स थ्रू मी,
व्हाट एम आई? जल्दी जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ में और नए क्वेश्चन के साथ में। और अगर आप लोग चाहते हैं कुछ इसी टाइप का, कुछ मतलब डिफिकल्ट टाइप का, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन मिलता है जो मतलब ऐसा, देखिए सब कुछ आजकल गूगल में सब कुछ है, मैं सोच रही हूँ कि क्या पता इसका आंसर कठिन होगा या वैसे होगा, बट आंसर आप लोग देते भी हैं गूगल में तो सब कुछ है। लेकिन अगर आप लोग कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझको कमेंट कर सकते हैं, मैं उस ब्लॉग में उसके नाम के साथ, अपने ब्लॉग में उसके नाम के साथ में जिन्होंने ये क्वेश्चन मुझको दिया है पूछने के लिए, उनके नाम के साथ में मैं ज़रूर शेयर करूँगी, मतलब मैं वो क्वेश्चन को पूछूँगी। इसीलिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन भी, तो मैं उसको पूछूँगी। ठीक है, फिर मिलती हूँ फिर से कल नेक्स्ट ब्लॉग में। असल तो नेक्स्ट ब्लॉग बोलना ही मुझको मतलब वैसे लगता है कि क्या बोले ना, रोज़ रोज़ हो नहीं पा रहा है। ठीक है बच्चों, रोज़ रोज़ वही बात, एग्ज़ाम चल रहा है, एक हफ्ते का और है, फिर तो मिलते ही रहेंगी, रोज़ ही मिलती रहूँगी। ठीक है, फिर तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।